हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अलीना बात कर रही हूँ। जी जी अलीना। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट में कॉल करूँ? प्लीज, जस्ट इन 10 मिनट्स। हाँ ठीक है, इट्स ओके। आप टाइम लीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो। अलीना, कैसी हैं आप? ठीक नहीं, इसलिए तो आपको याद किया। सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाया। पर आप ठीक नहीं हैं, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपसे कुछ डिस्कस करना था, मैंने इसलिए कॉल की है। जी, आप इत्मीनान से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आई एम श्योर कोई सीरियस बात होगी, जब भी आप परेशान लग रही हैं। शुक्र है आपको अंदाजा तो कि कोई बात सीरियस है। आपके अलावा मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी, और शायद इस मामले में आपके अलावा कोई और मेरी मदद भी ना कर सके। अलीना, आप तसल्ली से बात करें, ऐसी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? देखें शहजाद साहब, जो कोई ब्लैकमेलर जो बहुत तंग कर रहा है, घर पे कॉल्स करता है, मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, उसने मेरी कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो तस्वीर ऐसे तक भी पहुंचाई जिस पर यकीन करके वो मुझे बदकिरदार समझ रहे। ना, सब कुछ हो गया और आप ये सब मुझे अब बता रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मसले का हल निकालूं। फिर आपका ख्याल आया, इसलिए आपको कॉल की। जासा, मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे आपकी बीवी ही ना का हाथ है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस ब्लैकमेलर के पास है, हिना के अलावा कोई नहीं जानता मेरी। और है ना, वाज़े अल्फाजों में मुझे बदनाम करने की धमकी भी दे चुकी है। Are you sure? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शक उसी पे जाता है। वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? मैं चाहती हूँ कि इस मसले का हल आप निकालें, मेरी मदद कीजिए। अलीना, आप इत्मीनान रखें, बल्कि आप समझें, आपका काम हो गया। अगर इस सब के पीछे वाकई हिना का हाथ है, तो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं असली मुजरिम को सजा ना दिलवाता हूं। आप सोच नहीं सकते शहजाद साहब, हम किन अजियतों से गुजर रहे हैं। इस ब्लैकमेलर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। आई कैन अंडरस्टैंड अलीना, बस मैं अभी घर जा रहा हूं। जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर देता, मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो, कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों से आप अकेले तकलीफ उठाते रहे। फिर अब भी इस मसले का हल निकल आया, मैं सुकून में आ जाऊंगी शहजाद साहब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे इस मसले से बाहर निकालिए। ओके लीना, मैं दोबारा जल्दी फोन करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।
इतने तरीके से शहजाद ने अपनी बात की है, इतने पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, तो कभी ऐसे ने भी बात नहीं की। दोनों में कितना फर्क है ना। ठीक कहते हैं लोग, बड़ी उम्र के मर्द मैच्योर होते हैं। शहजाद इसीलिए हर मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ड्राइवर भाई, मामा की तरफ नहीं जाना, आप एसन की तरफ ले लें। उनके ऑफिस या घर? जी आप ऑफिस ले लें। जी मैं तो पहले ही जानती थी कि एलिना शहजाद से बात करती है। अच्छा हुआ जो आज शहजाद ने खुद भी इकरार कर लिया। दूसरी बार मारा है मुझे अलीना की वजह से। इतना घटिया इल्जाम, ब्लैकमेल कराती हूं मैं उसे, कॉल्स करवाती हूं किसी ब्लैकमेलर से, और शहजाद ऐसे कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? मैं क्या ब्लैकमेलर लगती हूं? भाभी सीरियसली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा बचपन शहजाद के साथ गुजरा है, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट हम लोगों ने बिजनेस तक साथ में स्टार्ट किया। शहजाद अपनी बीवी को, एक औरत को मार सकता है? मुझे सीरियसली यकीन ही नहीं आ रहा। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। अलीना के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो अलीना पर भी हैरत हो रही है। वो क्या बार बार शहजाद से मदद मांगने चली जाती है? वो मेरे पास भी तो आ सकती है, मुझसे पूछ सकती है। मैं तो आपको भी बताने की कोशिश की थी कि वो ऐसी है, लेकिन मेरी बात पे कौन यकीन करता? मुझ में तो किसी को भरोसा है ही नहीं। भाभी अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात कर सकूं। कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके सर पे ना हलीना के नाम का जादू चढ़ा हुआ है इस वक्त। मैंने अभी सिर्फ उनसे जिक्र किया था हलीना का, कोई बात छेड़ी भी नहीं थी, बताया भी नहीं था कि उसने क्या किया, और मुझे मारना शुरू कर दिया सिर्फ उसके जिक्र करने पे। मुझे पता है सब किसका कसूर है, ये सब फरवा आप ही की चालें हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। हर वक्त शहजाद को मेरे अगेंस्ट करती रहती है। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुंच के शहजाद की गाड़ी भी वापस भिजवानी है। तो आप अभी भिजवा दें, आई ड्रॉप यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चले जाऊँ। भाभी अगर आपको किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो आप प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल। बजेगा यहां पर।
हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। महसिन की कौन? हेलो, किन ख्यालों में खोई हुई थी तुम, जो फोन उठाने तक का टाइम नहीं था तुम्हारे पास? आंख लग गई थी बस मेरी। आंख लग गई या लड़ गई तुम्हारी? ये क्या कह रहे हैं आप? वैसे ये मुहावरा बहुत सूट होता है तुम पे। आंख लड़ाने में तुम कितना माहिर हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया अलीना। देखो अलीना, औरत का हुस्न उसकी आंखों में ही है, और यही आंख बेहया हो जाए ना तो वो औरत दो कौड़ी की हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको जो इल्जाम लगाना लगा दे मुझ पे, लेकिन सच तो यही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आपको मुझ पे यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। मैं बार बार अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकती आपको। देख रही हो अपनी डिटाई, तुम खुद देख लो अपनी डिटाई। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें अंदाजा है कि इस सबसे हमारा रिलेशनशिप कितना मुतासिर हो रहा है? इस रिलेशनशिप की कोई अहमियत है तुम्हारे नजदीक? ये सब कुछ सुनाने के लिए कॉल की मुझे? नहीं, फोन तो मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए किया था। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हिना जैसी मासूम औरत का घर उजाड़कर अपना घर बसा लोगी? भूल है तुम्हारी, तुमने तो उसके शौहर तक को नहीं छोड़ा लीना। कम से कम इतना तो ख्याल कर लेती है कि वो एक शादीशुदा मर्द है। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। आपको जो समझना है समझे ऐसे। हमारा रिश्ता तो कभी इतना पायदार था ही नहीं जिस पे एतबार ना भी कभी कोई चीज भी हो। मैं ऐसा खोखला और कमजोर घर तामीर ही नहीं करना चाहती। आप क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकालेंगे? मैं आपको खुद अपनी जिंदगी से निकालती हूँ, आपको, अली को और हर मर्द को जिन्हें औरत की इज्जत तक करना नहीं आती। वाह, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ड्रामा करोगी, बहुत मिन्नतें करोगी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं तो कोई और सही है ना? हाँ, आप जैसा मर्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो जब चाहे इल्जाम लगा दे बिना किसी सबूत के। And you know what? आप लोग हिना जैसी औरतें ही डिजर्व करते हैं, जिसके बिना पे आके आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना। तो हमेशा आपको अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसका आप हमेशा यकीन कर लेते हैं। हेलो अलीना। अलीना क्या हुआ, आप रो रही हैं? मैं भला क्यों रोऊंगी? गॉड प्लीज ऐसे रोए तो मत। ट्रस्ट मी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं? कहीं उस ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? ऐसे ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है शहजाद। अलीना, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। उसने ठीक नहीं किया, उसे आप पर यकीन करना चाहिए था। और इस सब के पीछे आपकी बीवी का हाथ है। क्या है ना का? I'm sorry, Elena. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरे और मेरे खानदान का दुख और जिल्लत का मदावा नहीं कर सकती। शहजाद कार्ड तक बढ़ चुके थे,
इस स्टेज पे आके रिश्ता तोड़ना आपको पता भी है ना, दुनिया क्या क्या कहेगी, आप क्या जवाब देंगे सबको? आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे माफ कर दें प्लीज। शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई। आप बता, आपने खैरियत से कॉल की? एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि वो ब्लैकमेलर आपको किस नंबर से कॉल करता था? हाँ, अलग अलग नंबरों से कॉल करता है मुझे। आपको टेक्स्ट करती हूँ मैं। वो ठीक है, खुदा हाफिज। अलीना, अलीना बेटा नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। चलो आओ। भूख नहीं है मुझे। क्या भूख नहीं है बेटा? क्या करती हो? शादी से पहले लड़कियां अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं और तुम हो के खाना पीना ही छोड़ दिया हुआ। नहीं हो रही मेरी कोई शादी वादी। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? जो चीज होनी नहीं है ना, उसका अफसोस करके मेरा कोई फायदा नहीं। ऐसे ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? अलीना ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मां वो ब्लैकमेलर, वो ब्लैकमेलर ऐसे तक पहुंच गया। उसने सारी तस्वीरें दिखाई उसको। जिन पर यकीन करके उसने उस शख्स ने मुझे बद किरदार औरत कहा, मुझ पर उंगली उठाई। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा अम्मा, जिसमें खुद को सही साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ जाए। खुदा खारत करे उसे, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उजाड़ के रख दिया। तुमने असन से कोई बात नहीं की, तुम्हें असन से बात करनी चाहिए थी ना। जब मर्द की आंखों में शक का बाल आ जाए ना, तो पाक औरत भी नापाक लगने लगती है, तो फिर क्या फायदा? या अल्लाह ये क्या हो गया? मैं तो आज तुम्हारी ढोलक रखने वाली थी, तुम्हें उपटन लगाने वाली थी, अचानक से क्या हो गया? अम्मा आप तो ना रोइए ना। कैसे ना रो, कैसे ना रो, कैसे सामना करूंगी लोगों का, क्या जवाब दूंगी मैं उनको कि क्या हो गया ये सब? आपको लोगों की क्यों परवाह है अम्मा? हमने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। तो शुक्र अदा करें कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता, क्या बिगाड़ देते हम किसी का, वो बदनामी अलग होती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी गलत नहीं है। भाई से बात करूंगी मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शहजाद। थोड़े दिन बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बीवी के साथ क्या मसला है। जब दिल चाहता है वो अपने मैके जाके बैठ जाती है। फिर ठीक है, मैके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने घर को भी तो ध्यान देना। तुम्हें
तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? जी आप ही, बस ऑफिस में शुरू हो गया था, मैंने टैबलेट ली थी। जब तक है ना तुम्हारी जिंदगी में ना, तुम्हारे सर का दर्द तय नहीं जाने वाला। जिंदगी हिसाब करके रख दी इस लड़की ने तुम्हारी। और भी पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की है उसने। अलीना की तो हमारे सामने है। क्या मतलब, क्या हुआ अलीना को? एहसन ने मंगनी तोड़ दी उससे। क्या, मगर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया उसने ऐसा? कॉल आई थी अलीना की, रो रही थी बहुत ज्यादा। शहजाद जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, मगर अब क्यों हो रहा है सब कुछ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था उन दोनों के दरमियान। क्यों होगा आप, हिना की वजह से ही? शहजाद ये ठीक नहीं है, तुम एहसन को बुलाओ, उससे बात करो, बताओ सब कुछ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जुल्म का हिस्सादार हम खुद ही बन जाएं। मैंने एहसन को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। पता नहीं हिना ने उससे क्या क्या कह दिया कि वो मजबूर हो गया इतना बड़ा कदम उठाने पर। मेरी बात तक नहीं सुन रहा, मैं उससे जाकर खुद मिलता हूं, ऐसी बातें फोन पर नहीं हो सकती। I think you should go. मैं फिर आपको बताता हूं। डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। मैं तो शहजाद को कॉल्स कर करके थक गई हूँ। पहले कम से कम मैसेज का रिप्लाई करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे। मैंने तो छोड़ दिया अलीना को। इसका इल्जाम भी मेरे सर पे ही आएगा। नहीं, आप उसकी परवाह ना करें। कैसे परवाह नहीं करूं मैं? शौहर ने मुझे खाली हाथ घर से निकाल दिया है। मैं अपनी अम्मा के यहाँ रह रही हूँ, आपको पता है वो बेवा हैं। उनको मेरी परवाह होती है, मुझे कैसे नहीं परवाह होगी इस बात की कि मेरी माँ कितनी परेशान है। तो आप शहजाद के खिलाफ केस कर दें कोर्ट में। आई विल सपोर्ट यू। प्लीज़ एहसन भाई, आप मुझे इस किस्म के मशवरे मत दें। मैं ये कोर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ सकती। हम लोग जिस खानदान से, उधर ये सब कुछ नहीं होता। वैसे शहजाद बड़ा लिबरल बनता है, औरतों के हकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने वाला है। मुझे तो शर्म आती है और यकीन नहीं आता कि वो मेरा दोस्त है। अलीना ने बर्बाद किया है मेरे। मैं तो सिर्फ सुना करती थी लोगों से बातें कि ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों का घर बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ वो जिस तरह से शहजाद को फ़ोन करती है, मैसेजेस करती है, मेरे खिलाफ़ भड़काती है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल करता है मैं शूट कर दूँ अलीना को। खैर छोड़ रहे हैं आप इन बातों को, मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आपके पास आ जाती हूँ। अब काफ़ी शाम होने को आई है, मैं निकलती हूँ। कैसे जाएंगी आप? ऑटो रिक्शा से या कोई टैक्सी करा लूँगी। तो मैं ड्रॉप कर दूँगा आपको। नहीं प्लीज़, कोई और इल्ज़ाम लग जाएगा मेरे ऊपर इस तरह। नहीं ना, अल्लाह खैर करे, बैग वगैरह सब साथ में। खैर तो है बेटा,
अम्मा वैसे ना मैंने पहली माँ देखी है तुम्हारी जैसी, जो बेटी के घर आने पे अल्लाह खैर तो है ना, माएँ खुश होती हैं। बल्कि पानी पिलाओ मुझे, उसको रखो यहाँ पे। पानी पिलाओ, बताओ तो हुआ क्या? अम्मा आज ना मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करना मुझसे। आपको वो जो हीरे जैसा दामाद है ना, मार के निकाला उसने मुझे घर से। क्या शहजाद ने तुम्हें मारा? जी बिल्कुल मारा है, और पहली दफा नहीं मारा। उसे तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी ताने देता है, कभी बातें सुनाते, कभी ऊंची आवाज में बात करते है, और जब उसकी पसंद के खिलाफ बात हो तो रख के थप्पड़ मार देता है, जैसे कि आज मारा उसने मुझे। नहीं ना, गलत बात मत करो। शहजाद हरगिज ऐसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। यकीनन तुमने कोई ना कोई बदतमीजी जरूर की होगी। अरे तुम्हारी जबान कोई कम है? इतनी लंबी जबान है तुम्हारी। चलाऊंगी मैं जबान, बिल्कुल चलाऊंगी। आप मुझे बताएं, आज अगर आपके शौहर और मेरे अब्बा जी जिंदा होते और उनकी पुरानी महबूबा की फोन आते, तो आपकी 10 गज लंबी जुबान नहीं चलती? कोई नहीं, कोई गज भर लंबी मेरी है ही नहीं जबान, मैं सिर्फ उनसे पूछती। अरे दूसरी औरतों से बात क्यों करेगा? फोन करने का मतलब कोई गलत नहीं होता, कोई काम होगा उसे, और वैसे भी अलीना बिन बाप की बच्ची है, हो सकता है उसे कोई काम हो उससे। तुम ऐसी गलत समझ रही हो, पूछ लेना था ना उससे। मेरी बात सुने, मैं अलीना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा शौहर है और अलीना उसकी पुरानी महबूबा, तो जब भी अलीना उसे फोन करेगी मैं जुबान चलाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो? शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। चलो मेरे साथ चल के ना उससे माफी मांगो, चलो आओ। क्या माफी? उसी की गलती पे मेरी जूती भी उससे माफी नहीं मांगेगी? और आप देखिएगा, मैं ना उसको पता बताऊंगी कि मैं हिना हूं, उसने मुझसे पंगा लिया है, और आइंदा उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नानी ने याद दिला दी ना मैंने उस बुढ़े घूसट को, तो मेरा नाम भी हिना नहीं। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? शहजाद ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, उसने इतना तुम्हारा दिमाग खराब किया, इतना सर चढ़ा लिया है कि तुम अपनी औकात ही भूल गई हो। बहुत आजादी दे दी है उसने तुम्हें, उसी की गलती है सारी। सही कह रही हो तुम। बदतमीज लड़की माफी नहीं मांगेगी, पता नहीं क्या करेंगे फिर। इससे तो बेहतर था मैं किसी अनाथ आश्रम में चले जाती, फजूल में बैग उठा के यहाँ पे आ गई। अगर दो अल्फाज प्यार मोहब्बत के नहीं बोल सकती हो ना, तो कम से कम इस तरह बातें भी मत सुनाया करो। अब तो हमारी फोन पर भी बात नहीं होती, और यार मिले तो एक जैसे एक जमाना हो गया। बस यार वो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम को कुछ ज्यादा ही हमने सर पर सवार कर लिया है ना? शायद। अच्छा एहसन, तुम्हारा और अलीना के ब्रेकअप का क्या मैटर है? यार बस हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अलीना एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तुम तो ये बात जरूर कहोगे, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा भला ये बात? अच्छे को सब अच्छा ही कहते हैं। एनफ इज एनफ शहजाद, मैंने तुम जैसा घटिया दोस्त पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे पीठ पीछे छोरा खोप रहे थे, जिस लड़की को तुम खुद पसंद करते हो तुम उसी से मेरा रिश्ता करवा रहे हो। और आर यू सेइंग एहसन, ऐसा कुछ भी नहीं है? ओ कम ऑफ इट शहजाद, तुम्हारे ऐसा घटिया मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम अलीना को पसंद करते थे तो फिर उसे ओन करते, और तो और तुमने मुझे सब में क्यों फंसा दिया यार? अपनी बीवी को भी परेशान करके रखा हुआ तुमने। एहसन रिलैक्स, आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी शहजाद? क्या है ये सब? व्हाट इज दिस, टेल मी क्या है ये सब? ये जरूर तुम्हें हिना ने सेंड किया होगा, इतनी चीप हरकत वही कर सकती है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या बताओगे अब तुम शहजाद, क्या समझाओगे तुम मुझे? कोई नई दास्तान सुनाओगे, कोई नई कहानी? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टू मी? ऐसा हाँ, मुझे अलीना पसंद आई थी जब मैंने उसकी पहली दफा तस्वीर देखी थी, लेकिन
शहजाद, आई जस्ट डोंट बिलीव यू एनी मोर। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। यार मैं शहनाज आंटी को ले आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम उनसे पूछ लेना। एनफ इज एनफ यार, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। अब उम्मीद है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ख्याल रखना अपना। लिसन, प्लीज लिसन टू मी। भाभी, आपको पता है मैंने आज आपको फोन करके जहमत क्यों दी? मुझे आपके शोहर की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनानी है। कैसी कहानी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके शोहर मुझे बता रहे थे कि कैसे आप हिना से अलीना बन गए, कैसे आप उन दोनों के बीच में आ गई और कैसे आपने उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर अली की अलीना से शादी हो गई और आई थिंक ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जिंदगी की। उसके बाद अली ने अलीना को तलाक दे दी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो ये सब कहा उन्होंने आपसे? हाँ, अच्छे खासे इल्जाम लगाए हैं आप पर। कोई बात, मुझे तो आदत थी ऐसे इल्जाम की। अच्छा छोड़े, मैंने कौन सा यकीन कर लिया था? मुझे समझ नहीं आता हर कोई मुझे इतना परेशान क्यों करना चाहता है। फीवा माँ मेरी, कितनी मुश्किलों से उसने मुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, एक ऊंचे घर में मेरी शादी कराई ये सोच के कि बेटी सुख चैन से रहेगी। उन्हें क्या पता कि मुझे तो एक दिन भी सुख का सांस नहीं आया उसका। भाभी देखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। आपका ही तो सहारा है सर। अकेला